सफेद वो रंग काले बदन पर, बोलता नहीं पर कहता ज्यादा, रंग सारे जो कैद थे मुझ में, मिलाए तुमने तो बना सफेद वो रंग। कुछ ही समय हुआ था मुझे उस स्कूल में जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया था। क्लासरूम के बाहर पनिशमेंट में खड़ा था वो, अपने जूतों को देखता हुआ, शायद सोच रहा था कि ये लेस कैसे बांधू, क्योंकि हाथ तो बिजी थे। फिर कई बार मैंने उसे वहीं देखा। कोई दिमागी बीमारी नहीं थी उसे और ना ही कोई डिसीज, फिर भी स्कूल के टीचर्स ने कई सारे लेबल्स दे रखे थे उसे, ना समझ, ना करा, ना लायक, नॉनसेंस, तेरी समझ में नहीं आता, चल जा मुर्गा बन जा। अरे सर, इसको तो मुर्गा बनना भी नहीं आएगा। ए, तू चुप बैठ, चल तू भी मुर्गा बन, बैठ। अबे गोल उधर नहीं, इधर है। इसको टीम में किसने लिया यार? फिर से डी, बेटा एबीसी भी होता है, कभी वो भी ले आया कर। ठीक से पढ़ना लिखना इवन बोलना तक मुश्किल था उसके लिए। बहुत से साधारण से चीजों में भी पीछे रह गया था वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे आगे ही ना बढ़ने दें, उसके आत्मविश्वास को तोड़ दें, उसे इतना डराएं कि वो बेचारा अपने आप को जानने के बजाय अपने आप से भागे। घर, सोसाइटी और स्कूल से नकार दिए जाने के बाद वो अपने आप को उन्हीं लोगों की नज़रों से देखने लगा और अपनी कमियों और अपने अकेलेपन को बढ़ावा देने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी आँखें और उसके हाव भाव अपने आप में कितना कुछ कह देते हैं। दरअसल वो अपने आप से केवल एक कदम की दूरी पर था।
ककड़ी धागे को थूक लगाओ डालो कुछ पकड़ो तोड़ो फिर सुबह आओ और रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी है ना कि दीवारें आदमी के दिमाग को सीमित कर देती हैं, वो शायद इसी बच्चे के लिए थे। पिंजरे में बंद रहकर तो चिड़िया भी अपनी उड़ान भूल जाती है। खरगोश सर चिड़िया भी तो है। हम अक्सर इंसान में ये देखते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता, बजाय ये देखने के कि वो क्या कर सकता है। वैसे अब उसका सफेद रंग काफी पॉपुलर हो चुका है। कहता है पहले मैं अक्सर अकेला बैठकर रोया करता था, पर अब जब भी रोता हूं तो सामने बैठा हर इंसान मेरे साथ रोता है। उसे तो एक टीचर का और माइम का सहारा मिल गया, पर उसके जैसे बाकी बच्चों का क्या? क्या उन्हें कोई सफेद रंग मिलता है?